जो हम नहीं जानते वो है नहीं हमारे लिए, जो हम जानते हैं वो है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी कि तुम संसार बनाओ। निराकार ब्रह्म ने कहा ब्रह्मा जी संसार की रचना करो। रचना करने लगे ब्रह्मा जी तो संसार रच नहीं रहा, बिगड़ रहा, बनाया बिगड़ा। तो कहा प्रभु आप कृपा करो, मैं तो कोशिश कर रहा हूं पर ये संसार तो जीवित नहीं रहता, ये तो बिगड़ जाता है, खंडित हो जाता। तब भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं तप करो, बिना तप के संसार का निर्माण नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के प्रभाव से भगवान विष्णु का आगमन हुआ संसार की रक्षा करने। ब्रह्मा जी की प्राण वायु से भगवान श्री विष्णु आए, उस रूप में भगवान ने वराह अवतार लिया और सीधे पाताल में चले गए। वहां पाताल में दैत्य राक्षसों का पहले से ही वहां पर आडंबर था, पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लिया था, पृथ्वी को लाए, राक्षसों का वध किया, पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित की। तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की तो सृष्टि का आरंभ हुआ। सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 27 मनुओं को बनाया, उन मनुओं की ही मनुष्य सभी संतान है, सब ऋषि मुनि उन्हीं से। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र तपस्या को चले गए, लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम अब मैथुन की सृष्टि पैदा करो, कर्म फल वाली, जन्म मरण वाली, अब तुम रक्त के द्वारा संसार की रचना करो। तो पिता की आज्ञा थी और तप 5000 वर्ष का कर लिया था तो पुत्र का अधिकार हो गया सृष्टि में आज्ञा मानने का। तो शत्रुपा मनु महाराज को भगवान ब्रह्मा जी ने दी और उनके आदान से मैथुन की सृष्टि प्रारंभ हुई, गर्भ धारण करवाया और जन्म मरण कर्म फल की सृष्टि का आरंभ हुआ। मनुष्य के रूप में ब्रह्मा जी के घर में मनु के यहाँ मनुष्य के रूप में प्रियव्रत उतानपाद नाम के दो पुत्र हुए और 3 पुत्रियां आकृति प्रसूति और देवृति हुई। उतानपाद राजा के 2 पत्नी हुई, विवाह हुआ मनुओं की परिवार में विवाह हुए थे शुरुआत, उनके यहाँ 2 पुत्र हुए प्रियव्रत उतानपाद के यहाँ ध्रुव और प्रहलाद, माफ करना प्रहलाद का नाम आया, ध्रुव और उत्तम। 2 पत्नियां सुरुचि के यहाँ उत्तम ने जन्म लिया, सुनीति के यहाँ ध्रुव ने जन्म लिया। छोटी पत्नी के साथ में प्रेम होने की वजह से बड़ी पत्नी के बच्चे को राजा गोद में नहीं लिए, पत्नी लड़ती थी, बस माँ ने अपने पुत्र को कहा कि ये तुम्हारा जो पिता है ये नकली, ये पिता कल मर सकता है, तुम बिना पिता के फिर हो जाओगे, इसलिए हे पुत्र तुम्हारी जो मौसी है यानी मेरी जो सौत है वो तुमको यहाँ नहीं रहने देगी, तुम्हें हिस्सा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें राजकुमार का नाम भी नहीं मिलेगा क्योंकि राजा मोहित हो चुके हैं उसके ऊपर, इसीलिए तुम ऐसा करो तुम जंगल में जाओ और सच्चे पिता की खोज करो। मार्ग में बालक जंगल में जब गया 5 साल का ध्रुव तो उसे नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने उसे गोद में लिया, ममता दी और उसे मार्ग दिखाया। नारद जी बच्चे को लेकर के वृंदावन मधुवन पहुंचे जहां भगवान लीला कर रहे थे, वहां 6 महीने बच्चे ने भक्ति की, भगवान ने बालक को अपनाया पुत्र के रूप में और भगवान पिता के रूप में उसके सामने खड़े। आप अपने बच्चों को कौन सी दिशा देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बच्चा पेट में से जो दिशा लेके आता है वो बहुत नॉर्मल है, उसे मोड़ा जा सकता है। बच्चा जो संस्कार लेके आया है पिछले जन्मों के उनको भी मोड़ा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता पर उन्हें मोड़ा जा सकता है। आपके ऊपर है, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं वही रिवर्स वो रिपीट होगा, वही मिलेगा आपको, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, सेम टू सेम चलता है। आप अपने बच्चों को भक्ति देंगे, आप अपने बच्चों को जंगल का मांस देंगे तो बच्चे आपको वैकुंठ देंगे, बच्चे आपको मुक्ति देंगे, बच्चे आपको कल्याण देंगे। आप अपने बच्चों को गाड़ी बंगला घोड़े देंगे अय्याशी देंगे तो आपके बच्चे आपको धक्का देंगे और चेले देंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये
आपके साथ यही होता है, यही हादसा होता है। इसीलिए बच्चे को धन बाद में दो, पहले बच्चे को धर्म दो, धन बाद। क्या जब देना तब देना, पहले संस्कार। जिसके संस्कार मजबूत है उन पे ज्ञान खेलता है, जिसके संस्कार नहीं ज्ञान हुआ काम नहीं करता। अच्छा सूरदास आदमी को चश्मा काम करेगा? जिसके दो पैर नहीं उसको बैसाखी काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो आप पहले बैसाखी के लायक तो बचाओ, उसे लंगड़ा है तो चलेगा, पर काम है ही नहीं तो क्या करें? इसीलिए